पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दो घंटे की डीएम बनी बारहवीं की मेधावी छात्रा संध्या ने 50 फरियादें सुनी। उन्होंने जिलाधिकारी से हर प्रार्थना पत्र पर बात की, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पर चर्चा के बाद प्रार्थना पत्र संबंधित अफसरों के लिए अग्रसारित किया गया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने अधिकृत तौर पर उस पर दस्तखत किए। संध्या ने कहा कि सरकार का ये कदम सराहनीय है, जिससे छात्राओं का मनोबल बढ़ता है। उन सभी छात्राओं को एक प्रेरणा मिलती है जो अभी पढ़ रही है, यकीनन उनमें भी मेधावी होने का एक चाव बढ़ता है और वो पढ़ाई करती है। संध्या ने बताया कि उन्हें आज गर्व महसूस हो रहा है कि इस तरह का अवसर मिला। आकांक्षा विद्यापीठ में पढ़ने वाली छात्रा ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल, शिक्षक और अभिभावकों सभी को सराहा है और कहा कि सभी के योगदान से वो यहाँ तक पहुँची है। कौन से क्लास में जी, कौन सा कार्यभार आपको संभाल रहा है, दे रहा है? क्या क्या सीखने को मिला था आपको? लोग किस तरह पीड़ित हैं, उन्हें किस चीज की आवश्यकता है, क्या सुविधा उन्हें देनी चाहिए, कितने लोगों की समस्या का समाधान किया जाए आपके द्वारा? लगभग 30-35 लोग आए हैं। अच्छा, क्या देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे आप एक डीएम की कुर्सी में बैठी हुई हैं, क्या मैसेज देंगे देश को, किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपने हकों को जानना बहुत जरूरी है, अपने कर्तव्य को समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद अपनी समस्याएं किसी को सुनानी चाहिए। जी, मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आपको एक दिन का जिलाधिकारी पद का चार्ज मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मैं बहुत थैंकफुल करना चाहती हूँ अपने प्रिंसिपल सर को, अपने स्कूल को, जो मुझे इतना अच्छा अवसर प्रदान किया है। छात्राओं से क्या कहना चाहेंगे? छात्राओं से यही कहना चाहूँगी कि अपने हक को समझें, अपने कर्तव्य को समझें और कोई भी आगे बढ़ मतलब कोशिश करें। निकट भविष्य में आपका क्या प्रयास रहेगा? निकट भविष्य में मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। आर्मी जी, राज्य सरकार द्वारा इस समय मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। इस मिशन के पीछे बेसिक मंशा यह है कि जो महिलाएं हैं हमारे प्रदेश की, वो सशक्त, आर्थिक रूप से सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने और उसमें सुरक्षा का विश्वास जागे, और निश्चित रूप से सुरक्षा का विश्वास कहीं ना कहीं अंतर्मन से जागृत होता है और दूसरा उसका काम होता है जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल, जो सोसाइटी। चूंकि अभी भी हम देखते हैं कि अगर हम सर्विसेज में देखें, आर्थिक स्वायत्ता की बात देखें, तभी भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और सरकार ने इसी सोच के साथ इस पूरे पिछले एक सालों से मिशन शक्ति के तहत विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला आत्मनिर्भरता और महिलाओं को बेहतर ढंग से उनको समाज में स्थान मिले, उनको सम्मान मिले, उसको दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम किए गए। उसी कड़ी में आज विभिन्न अधिकारियों के स्थान पर इन लोगों को बैठाया गया है, जैसे एसपी सिटी, एक बालिका आज एसपी सिटी का कार्यभार देख रही है, एक बालिका हमारी एसपी ग्रामीण का कार्यभार देख रही है, ऐसे डिफरेंट हमारे जो अधिकारी हैं उन सभी जगहों पर हमारी बालिकाओं को बैठाया गया है। इसके पीछे मंशा यह है कि बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत हो और आगे कुछ करने की इनके अंदर भी तमन्ना हो, समाज के मुख्य धारा से जुड़े और आर्थिक रूप से मजबूत बने, इसको दृष्टिगत रखते हुए आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और जहाँ तक जिलाधिकारी के पद का भार कार्यभार ग्रहण करना है, तो आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज की संध्या भाटिया नामक बालिका ने आज यहाँ जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया और उसने बहुत बेहतर ढंग से लोगों की समस्याओं को सुना और बड़े आत्मविश्वास से उसके क्या निदान हो सकते हैं उस पर उससे चर्चा परिचर्चा की। और निश्चित रूप से संध्या का सहयोग मैं कर रहा था, जिससे कि कार्य करने में कोई दिक्कत न हो, तो एक मेरे लिए भी एक अच्छा अनुभव था और निश्चित रूप से संध्या के लिए एक यादगार पल होंगे उनकी लाइफ के। और जब ये चीज़ अपने साथियों में शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से जो और साथी होंगे वो भी प्रेरणा लेंगे, क्योंकि हर आदमी, हर बच्चा एक सपना देखता है, कुछ न कुछ बनने और सबके मन में सपना होता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।